नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा चक्रम चलोकाम दधतम रुतघटम चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबोदो ज्वलांगम कटितट नमस्कार, आप सभी को प्रातःकालीन इस संहिता पठन सत्र में आपका स्वागत है। मैडम मोनिका मैडम जी, आई थिंक शेयर कर दीजिए, अगर वैद्य जी नहीं आए तो, अगर आपके पास तो है जो पढ़ाई हुई थी। आवाज आ रही है आपको मेरी नीता जी? सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। विनीता मैम एक बार श्लोक बताना, मैं अभी शेयर कर देती हूँ। एक सेकंड मैम, फिर बता रही हूँ। मनीष शर्मा जी मैडम, वैद्य संदीप जी, आदित्य जी, सविता जी, आप सभी का स्वागत है। विनीत जी एंड मोनिका मैडम, सबका स्वागत है। जो शेयर करना है मैम वो 42 भी हो गया था, 43 आई थिंक 46 करना है, 43 44 तो कल हो गया था, स्टिल एक बार चेक कर सकते हैं। 46 43 सूत्र जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। 43 ही पढ़ना है ना मैम? तो मुझे तो 43 ही याद है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इससे पहले के सूत्र शायद हो गए होंगे। मृदंगम चित्रको दंती चव्यम व्योषम च तय पय कलकई कौल समय विद्वा प्रबुद्धम उदरम जयते जयते जयेत जयेत है। यहाँ बताया गया कि विडंग चित्रक दंती दंतीगार जमाल गोटा चब्य बेहोश और इन सब को कल को कोल प्रमाण में मात्रा में दूध में घोलकर पीने से बढ़ा हुआ उदर रोग नष्ट हो जाता है, ये बताया। प्रवृद्ध उदर रोग की चिकित्सा और ऋषि का संस्कृत टीका जो है वो यहाँ पे है। विडंगादि भी कल के कोल प्रमाणे लोड़ित पय पीत्वा प्रबुद्धम उदरम जयेत। नीता मैडम इसका पढ़िए अर्थ जी। सर विडंगादि जो कल्क हैं उनका कोल प्रमाण लेकर उसको अलोड़ित मतलब हिला के दूध के साथ मिला के पीने से जो प्रवृद्ध उदर रोग होता है वो भी उसको भी जीता जाता है। जी, आपके आपके पास कोई अपना एक्सपीरियंस हो ऐसे उदर रोग का किसी के पास भी तो वो शेयर कर सकते हैं। बड़ा अच्छा योग है ये, काफी सर सर प्रवृत्त अर्थ क्या होता है? प्रवृत्त उदर प्रवृत्त प्रवृत्त मतलब बढ़ मतलब रहा, बढ़ाया बढ़ रहा बाया। उदर। प्रवृत्त का मतलब ना आगे बढ़ रहा, कि जो ग्रेजुअली अपने मतलब जो डिजीज होता है उसकी प्रोग्रेसिव डिजीज हम कह सकते हैं, उसको उसका प्रोग्रेशन हो रहा हो। ठीक है आदित्य जी,
वनीता जी, तो आप थैंक यू सो मच। 29 तारीख को आप वित्त अग्नि कर्म की कार्यशाला में प्रतिभाग कर रही हैं शायद जी सर, जी। तो आगे का सूत्र पढ़िए फिर मैडम जी, मोनिका मैडम जी आप पढ़ाइए फिर, या पढ़िए जी मैं पढ़ देती हूँ सर। पढ़िए। भोज्यम भुंजित वा मांसम स्नुहि क्षीर घृतान्वितम उत्कारिकाम वा स्नुक क्षीर पीत पथ्या कणा कृताम। सेहुंड दुग्ध का प्रयोग अथवा 1 महीने तक सेहुंड के दूध में घी मिलाकर भोज्य पदार्थों का निर्माण करके रोगी को खिलाएं अथवा सेहुंड के दूध से भावना दी हुई हर तथा पीपल का चूर्ण मिलाकर आटा की उत्कारिका रोटी बनाकर रोगी को खिलाएं। इसमें सर ये बताया हुआ है कि मतलब जो स्नेही क्षीर है उसका प्रयोग करना है घी के साथ मिला के, और उससे मतलब अलग अलग भोज्य पदार्थ जैसे रोटी बनाकर उसमें हरड़ और पिपली का चूर्ण मिलाकर रोटी बना के रोगी को खिलाना है। तो मेनली उदर रोग में ये है कि पेशेंट का दीपन पाचन भी होना चाहिए और विरेचन और स्नेहन भी मतलब साथ में होता रहना चाहिए ताकि उसके शरीर में किसी तरह का वो बल क्षय ना हो, क्योंकि विरेचन बार बार उदर रोग में देना पड़ता है। तो इसलिए साथ में दीपन पाचन और स्नेहन होना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो योग बताया गया है तो इसमें सब है सर। दीपन पाचन के लिए पिपली चूर्ण हो गया और स्नेहन के लिए घी है और उसमें सेहुन का जो दूध होता है वो विरेचन करता है। तो मतलब तीनों चीजें इसमें आ गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे हमें विरेचन भी देना है और उत्कारिका करते हैं, रोटी बना लीजिए, सूखी पूड़ी जिसे हम कहते हैं वो बना के खिलाने की बात की गई है। खाने में आसान होता है, सरल होता है, रोगी को दे सकते हैं। ये उदर रोगी का भोजन के रूप में इसे बताया गया कि आप इस प्रकार का भोजन उसे दे सकते हैं, ये यहाँ पे बताया है। तो किसी जी का कोई अपना अनुभव हो, कोई देते हो तो बता सकते हैं, नहीं तो आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे योग प्रैक्टिकल हैं वैसे देखा जाए तो, अगर ऐसे रोगी आते हैं तो आप हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से जी। कोई इसकी टीका भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़िए। स्नुक क्षीर घृतान्वित भोज्य आहारम मांस वा भुंजी स्नुक क्षीर सिद्ध घृत स्नुक क्षीर घृतम स्नुक क्षीर युत वा घृत स्नुक क्षीर घृतम ये स्नूक क्षीर स्नूक उत्कारिका वा स्नुक स्नूक क्षीर क्षीरादि युता भुंजी स्नुक स्नुही स्नूही सर स्नूही स्नुही स्नुही स्नुक क्षीर आदि यथा भुंजित उत्कारिकाम रोटिकाम स्नुक क्षीर घृत से युक्त भोज्य पदार्थ आहार मांस या इसका मतलब भुंजित लेना चाहिए खाना चाहिए। स्नुक क्षीर सिद्ध घृत स्नुक क्षीर से सिद्ध घृत या स्नुक क्षीर मतलब स्नुक क्षीर से जो सिद्ध घृत है उसको स्नुक क्षीर घृतम बोलेंगे। स्नुक क्षीर युत वा घृत स्नुक क्षीर से जो युक्त घृत है उसको स्नुक क्षीर घृतम। पता नहीं सर ने दो दो बार क्यों रिपीट किया हुआ है। बिल्कुल, उसका अर्थ यही है कि जो स्नूही क्षीर से जो घृत सिद्ध है तो आपने भोजन की तरह से लेना है, कि भोजन में जैसे हम लोग लेते हैं ना ब्रंगण स्नेह के रूप में, वैसे कह रहे हैं। उत्कारिका वा स्नुक क्षीरादियुक्ताम भुंजित जो सर स्नूही का, उत्कारिका है जी जी बोलिए आदित्य जी, कुछ पूछना चाहते हैं जी। स्नूही सर स्नूही का अर्थ क्या होता है? स्नूही यूफोर्बिया स्नूही नेरीफोलिया एक प्लांट होता है, आपने अच्छा आप देखेंगे कैक्टस कैक्टस वैरायटी का ये प्लांट होता है, और इसके क्षीर का यानी इसकी जो निकलती है कि दूध जो निकलती है एल्कलॉइड है वो, तो हम लोग बहुत यूज अच्छा करते हैं उदर रोगों में भी यूज करते हैं, क्षार कर्म में भी यूज करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा होता है ये यूफोर्बिया और ये सर नेरीफोलिया मेरे जी। पास प्लांट है मैं उसकी पिक भेज दूंगी आपको। जी, ये मिल थैंक जाता यू है, मैम। बहुत बहुत ये प्लांट काफी अवेलेबल है। वायु दर्पण के यूट्यूब चैनल पर भी मैंने पहाड़ों की ऊंचाइयों पे जाके इसके प्लांट्स के वीडियो शूट किए, आप वहां भी देख सकते हैं, स्नोही डालेंगे तो आ जाए। ठीक है, जी। आगे पढ़िए मैडम, उसी को आगे बताइए, कंटिन्यू। सर उत्कारिका वह स्नुक क्षीरादियुता भुंजित जो उत्कारिका है रोटी वो स्नुक क्षीर से युक्त जो हो उसका भोजन करना चाहिए। आगे का श्लोक पढ़ू सर? जी जी पढ़िए 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 पार्श्व फिर।
मोनिका मैम शेयर करती हूँ। जी पार्श्व शूलम उपस्तंभम हृदय ग्रहम च समीरण यदि कुर्यात् ततस् तैलम बिल्व क्षारान्वित पिबेत् पक्वम वा टिंटुक बला पलाश तिल नालजे क्षारे कदल्या अपामार्ग तरकारीजे पृथक कृते बिल्व क्षार तेल यदि उदर रोग में वात दोष पार्श्वशूल पार्श्वस्तंभ तथा हृदय में जकड़न इन लक्षणों को पैदा कर देता है तो बिल्व क्षार युक्त तैलपान कराना चाहिए अथवा सोना पाठा बला पलाश ढाक तिलनाल कदली अपामार्ग अरणी इन द्रव्यों को अलग अलग क्षारों को डालकर पकाए गए तेलों में किसी एक का मात्रा अनुसार पान करवाएं। वक्तव्य चरक में बिल्व क्षार तेल का उल्लेख इसी प्रकरण में हुआ है। इसका मिलान करने के लिए देखें चरक चिकित्सा स्थान 13/169 और 171। यह तुलनात्मक दृष्टिकोण अध्याय के आरंभ में की हुई श्री भागवत की प्रतिज्ञा के अनुकूल ही है। बहुत बढ़िया। रवि मैडम, मोनिका मैडम ने आपको, आदित्य जी वो चैट बॉक्स में देखिए, मसनूही का पौधा आपको शेयर किया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है जी आदित्य जी। जी सर जी, थैंक यू तो ये अभी मैं, विनीता मैडम ने बहुत बढ़िया पढ़ा इसको कि किस प्रकार से हम अलग अलग योग आपने पढ़े, प्रवृद्ध उदर की चिकित्सा पढ़ी, उदर रोगी को कैसा भोजन में क्या देना चाहिए पढ़ा आपने, और अभी उदर रोगी में अगर अन्य लक्षण जैसे पार्श्व उपस्तंभ और हृदय ग्रह हो रहे हो, अभी आपने एक क्षार मिश्रित तेल के बारे में पढ़ा, ये इसका टिप, इसकी टीका भी शायद पढ़ दी मैडम या पढ़ना है बताइए। पढ़ना पढ़ना है सर। पढ़िए पढ़िए। समीरण पार्श्व शूलादिक यदि कुर्यात ततस् तैल बिल्वादियुत पिवेत। अगर वात की वजह से पार्श्व शूल आदि हो रहा है उदर रोग में तब तैल बिल्वादि युक्त तेल का पान करना चाहिए अथवा मयूर जंघादिजे क्षारे कदल्य अपामार्ग तरकारीजे पृथक कृते पक्व तेल पिवत अथवा मयूर जंगा ये किसी प्लांट उसके लिए आया है मुझे लगता है। आपके इसमें बुक में क्या लिखा है, ये टिप्पणी टीका में लिखी है, इसको देखिएगा द्रव्यकुल के जो जानकार है। मैडम जी बताइए क्या है मयूर जंगा। जवखार है सर, हाँ जवखार यवक्षार है, वही कहा जंगा, मैंने, हाँ वही वही होगा क्योंकि ये मयूर जंगा यवक्षार के लिए आया है। जी कदली अपामार और तरकारी ये इनके पृथक पृथक तेल पाक करके इसका मात्रा अनुसार पान करवाना चाहिए। पक्व तेल कदली तो केला केला हो गया है ना। हो गया अपामार्ग तरकारी सर इसमें मैंने तरकारी जो देखा है, तो हाँ अरणी लिखा हुआ, अरणी यानी कि अग्निमंत होता है। तरकारी जो है इसको, वैसे तो तरकारी का, तरकारी सब्जी के लिए प्रयोग करते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे तो देख लीजिएगा तरकारी किसके लिए आया है ना। अरंडी अगला सूत्र पढ़िए, एरंड तेल के प्रयोग। कौन पढ़ेगा, कोई और भी पढ़ सकते हैं। मैडम जी वंदना मैम पढ़िए, भी वंदना है सर, मैडम जी वंदना पढ़िए, मैम वंदना मैडम जी। उनके पास बुक भी है, ऐसे बुक बुक नहीं, कहीं बाहर अभी होगी, मैं कोई बात बुक, हाँ कोई बुक बात नहीं, आप बुक में से कोई पढ़िए। मैं पढ़ू सर। हाँ पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़ के पढ़िए। कफे वा तेन पित्ते वा ताभ्याम वा आप्यवृत्ते नीले बलिनस्वौषधयुतम तैलम एरंडजम हितम। बहुत बढ़िया, अब इसके अर्थ भी पढ़ सकते हैं आप, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे कहा हाँ कफे वातेन पित्ते वा ताभ्याम वा प्यावृते अनिले, यानी वायु से जब कफ का आवरण हो तो, या वायु से पित्त का आवरण हो, या कफ पित्त दोष से वायु का आवरण हो, ऐसे में कहते हैं बलिनः स्वऔषध युतम तैलम एरंडजम हितम। ऐसे में बलवान पुरुष जो है वो के लिए औषध से युक्त, अलग अलग औषधियों से युक्त एरंड तेल जो है वो हितकर होता है। एरंड तेल का बहुत बहुत ज्यादा प्रयोग बताया गया है, उदर रोगों में भी है इसका, आम आदमी में भी है, आप लोग पढ़े होंगे।
एक रेफरेंस है जो मुझे याद है इसलिए बता देता हूँ मैं, कि मेरा एमडी की थीसिस एरंड तेल पे ही थी। तो एरंड तेलम तीक्ष्णोष्णम दीपनम पिक्चलम गुरु ऋष्यम स्वादु वयस्थापि मेधा कांति बल प्रदम कसाय अनुरसम योनि शुक्र विशोधनम हंतो वातोदरा नाह हंतो वातोदरा नाह, यानी उदर रोगों में भी आनाह में भी गुल्म अस्थिला कटिग्रह आमवात गजेंद्र से शरीर वन चारण। आमवात रूपी जो गजेंद्र है शरीर में जो विचरण कर रहा है उसको एरेन अग्रणी हंता, उसको सबसे पहले आगे से हंत करने वाला नष्ट करने वाला एरंड स्नेह केसरी, एरंड जो है स्नेह केसरी है ऐसा कहा गया है। ये जो मैंने आपको सूत्र बताया ये असंभवतः ये चक्रदत्त का है और वैसे रत्नावली के भी कुछ पार्ट इसमें लिए हुए हैं। ये आपने यहाँ पे उदर रोग के रेफरेंस में सांख्य हृदय में भी एरंड तेल का प्रयोग ये देखा बताया है। ऋषि सर एरंड तेल पर तो फिर आप पूरा एक ले लीजिए क्लास। हाँ एरंड तेल पे ठीक कल्प में हमने कल्प चिकित्सा की थी, हमने एरंड तेल पे पूरी थीसिस है मेरी, एरंड तेल का पूरा हमने उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या उसका किस प्रकार से वो काम करता है, किस प्रकार से वो उदर रोगों में काम करता है, किस प्रकार से वो आमवात में काम करता है, ये सब चीजें काम किया हुआ है। कभी मैं मौका मिला तो बताने का प्रयास करूंगा। जी ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेरे को समझ में आया बताया मैं, आगे इसमें और कुछ नहीं है। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस हो एरंड तेल के बारे में तो आप बता सकते हैं। एरंड तेल का प्रयोग 47वां सूत्र था ये, इसका इसकी टिप्पणी इसकी टीका पढ़ दीजिए मैडम, आप ही पढ़ दीजिए, विनीता मैडम या मोनिका मैडम कोई भी पढ़ सकते हैं। सर, यहाँ पे एक चीज और भी है कि जो आवरण करने वाला जो दोष है उसकी चिकित्सा पे प्रधानता दी गई है यहाँ पे, ये भी एक नोट करने वाली चीज है। जी बिल्कुल क्योंकि कफ में वात, इसमें जैसे सर्वान सुंदर टीका में भी लिखा है, कफे वाते नावृते पित्ते वा वाते नावृते ताभ्याम कफ पिताभ्याम पित्ताभ्याम वा आवृते अनिले सति बलिनो नरस्य स्व औषध औषध युत में एरंड तेलम हितम। मतलब कफ में वात से आवृत होने पर या पित्त में वात का आवरण होने पर उसमें कफ और पित्त जो है वो वात से आवृत हो गए हैं, तो जो बलि मनुष्य है उसको अपने औषध को मिलाकर एरंड तेल का प्रयोग करना चाहिए। अपने औषध मतलब वात और कफ, पित्त और कफ का विचार करके उन जी उनकी औषधों को हमें यहाँ पे चूज करना है और उसको एरंड तेल के साथ प्रयोग करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर हितकारी बताया गया है। यानी ये बताया गया है कि जो आवरण की जो चिकित्सा है, यानी आवरण का अर्थ दो चीजें होती है, एक तो जिसका आवरण होता है और एक दूसरा जो आवरण करता है। जो आवरण करता है पहले उसको हम लोग उसको हटाते हैं, तभी जो है वो जिसका आवरण हुआ है उसकी चिकित्सा हो पाती है। तो इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे बताया है यदि वायु कफ से आवृत हो जाए या फिर वायु पित्त से आवृत हो जाए या फिर वायु कफ और पित्त दोनों से ही आवृत हो जाए, तो व्यक्ति का बल अच्छा हो तो आपने दोषों का ध्यान रखते हुए, यानी जिसका आवरण हुआ है वो आवृत हुआ है उसको नहीं, जिसका जिस जो जिसने आवरण किया है उसका ध्यान करते हुए आपने प्रधान उस दोष की प्रधानता देते हुए उससे उसपे काम करने वाली औषधियों के साथ में एरंड तेल का प्रयोग करें। ये यहाँ पे विचार करने योग्य बात बताइए जो मोनिका मैडम ने कही, बिल्कुल सही है। आवरण मोनिका मैम, चीज यहाँ पर मतलब वायु के ऊपर कफ का या वायु के ऊपर पित्त का इसी तरह है ना? बिल्कुल सही नहीं कह रही मैम, है, कफ यहाँ पे कफ के ऊपर वायु का है मैम, के ऊपर है वायु, कफ के वायुस ऊपर वायु का, पित्त के ऊपर वायु का। तब हम जैसे पित्त के ऊपर वायु का है तो हम उस एरंड तेल में पित्तनाशक औषधियों से सिद्ध करके फिर यूज करेंगे, और अगर कफ के ऊपर वायु का है तो कफ का कन्नाशक औषधियों से सिद्ध एरंड तेल का प्रयोग करेंगे, ऐसा? नहीं, मैडम आवरण की जो कॉन्सेप्ट है ना आप इसको यूं समझिए कि आवरण इज ए कवर, कवर हाँ, है ये, जैसे पानी का बुलबुला, उसका साबुन का बुलबुला, पानी का बिल्कुल साबुन का बुलबुला समझ लीजिए, या हम कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई किसी ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, तो एक तो इन्फ्लुएंसर होता है और एक इन्फ्लुएंस्ड पर्सन होता है। तो यदि आपने इन्फ्लुएंस, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण अपनी क्लासेस में देता हूँ कि हम टेररिज्म की बात करते हैं तो टेररिज्म का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, टेररिस्ट को खत्म करते हैं इन्फ्लुएंसर को खत्म नहीं करते। तो जो इन्फ्लुएंस जिसने किया है वो एक प्रकार से उसने आवरण किया हुआ है, यही हमारे यहाँ दोषों के आवरण में भी कॉन्सेप्ट होता है। जिसने कवर किया हुआ है, जिसने आवरण किया हुआ है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है
हमने सबसे पहले उसको हटाना है, ना कि जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। हम करते क्या है, जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है यानी जिसपे आवरण हुआ है उसकी चिकित्सा करते रहते हैं, इसलिए सफल नहीं होते। इसलिए सबसे पहले जो उसका इन्फ्लुएंसर है उसको ट्रीट करना है, और जिसका भी आवरण है उसकी चिकित्सा पहले होती है। ये हम लोग बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं। जिस दोष का आवरण हुआ है उसकी पहली चिकित्सा होती है, कि जिस दोष पर आवरण हुआ है उसकी पहले चिकित्सा होती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। तो उसके यदि कोई अंदर आदमी लिखा है यदि वो आदमी यदि आदमी कोई ठीक, अर्शद्यूतम तेल मैरन और गजम हितम, इसका क्या अर्थ हुआ वो एरंड लिखा था? तेल इसमें हितकारी है। एरंड तेल जो है, एरंड तेल का एक प्रॉपर्टी होती है कि हम एरंड तेल को जब सिद्ध करते हैं, आपने देखा होगा, एरंड तेल को हम प्लेन यूज नहीं करते। एरंड तेल को जब सिद्ध करते हैं, औषधि से सिद्ध करके मूर्छित करते हैं, तो एरंड तेल में भी उन मूर्छित द्रव्यों के गुण आ जाते हैं। तो एरंड तेल एक प्रकार से वात का तो शमन करता ही करता है, यहाँ पे अगर वात के लिए भी कारीगर है, लेकिन अगर आप औषधियों के साथ में प्रयोग करते हैं तो ये आवरण को भी भेदता है। ये है इसका, क्योंकि ये स्नेह केसरी कहलाता है। वंदना मैडम, जी, तो उसमें मतलब यही हुआ ना कि कफ वाला अगर है तो हम हाँ, कफ तो की कफ शामक प्रोनाउंसिएशन। औषधियों के साथ दें आप। जी पित्त का अगर आवरण है तो पित्त शामक औषधियों के साथ दें। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसको एरंड स्नेह केसरी क्यों कहा गया है, कि हमने हमने विचार किया उस वक्त, तो ये इसका क्या है, ये हाईली पोटेंट है। ये मतलब ना, ये ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। यानी कि ये जैसे कि इसका कहा गया कि आमवात गजेंद्र से स्नेह शरीर वनचारिण, इस प्रकार से कहते हैं कि आमवात खुद कितनी दुसाध्य व्याधि है, आप देखेंगे उसके उसमें संप्राप्ति को विघटन करने में ये इस प्रकार से काम करता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर उदर रोगों में भी दिया जाए और बिना खुद एब्जॉर्ब हुए बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल जाता है, सबसे बड़ी बात। जी विरेचन भी करता है, सबसे अच्छा है। तो ये उदर रोगी के लिए तो वैसे भी हितकारी हो गया, ये आमवात के रोगी के लिए भी हितकारी हो गया, वहां भी विरेचन हमारी चिकित्सा में आता है ना। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि आपको लेकिन केवल एरंड तेल नहीं है, आपको जिसने आवरण किया है उसके उसको ठीक उसको उस उसका ट्रीट करने वाले औषधियों से सिद्ध एरंड तेल का प्रयोग करना है। ये है, जी यही सूत्र अन्यत्र भी उपयोगी है सर। बिल्कुल उपयोगी है मैडम, बिल्कुल। हाँ ये उधर आमवात में भी उपयोगी है, ये कहीं और भी आप इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, एरंड तेल श्वास का कफ तो में भी अवरुद्ध होगा, कफ वहां भी करते हैं हम लोग, देते हैं ना एरंड तेल, देते हैं वहां पे, तो और यही एकदम इमीडिएट रिलीफ मिलता है जी, औषधि के साथ, लेकिन है ना। इसका अर्थ यह है कि हम केवल एरंड तेल का सर। प्रयोग करें जी। गुड इवनिंग, बताइए। गुड मॉर्निंग, जी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि एरंड तेल को किसी ने सिद्ध करके देंगे, तो जी जो जनरली जैसे कई पेशेंट को एज ए लेग्जेटिव देते हैं, तो उसमें उसको नहीं देना चाहिए? नहीं आप नहीं क्या देना कहते हैं चाहिए। उसके लेक्सेटिव का पर्पज से आप दे रहे हैं तो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब लिए? लाभ, जब आप किसी व्याधि विशेष में लाभ की बात करेंगे तो आपको उसको मूर्छित करके ही देना चाहिए। ये हम लोगों ने बहुत ये प्रश्न किया था जब हम इस में जब काम कर रहे थे, तो एरंड तेल, क्योंकि एरंड तेल को हम सीधे दें या उसको हम भेषज रत्नावली में जो विधि बताई है उससे मूर्छित करके दें। एक तो मूर्छित करने से क्या होता है मैडम जी, क्योंकि जी हाँ, सर, जो तेल जो होता है वो अपने आप में भी आमत्व लिए हुए होता है, यानी उसके अंदर भी एक आम आ जो है ना आमावस्था होती है। तो जब आप मूर्छित करते हैं ना तो उस तेल का भी आमावस्था उसकी समाप्त हो जाती है, वो खुद भी निराम हो जाता है, वो और ज्यादा प्रभावी होता है। इसीलिए मूर्छित करने की बात की जाए, मूर्छित एरंड तेल का ही प्रयोग करते हैं। अगर आप बाजार से प्लेन एरंड तेल लेके आएंगे और आप उदर रोगी या फिर आमवात के रोगी को देंगे, वो लाभ नहीं मिलेगा। केवल जी सर, केवल पेट क्योंकि साफ हो जाएगा, लैक्सेटिव का काम करेगा, पर जो आप जी डिजायर्ड इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। सर। और सर ये जो एरंड तेल है ये बच्चों में कितना सेफ है सर यूज बिल्कुल करना? सेफ है। देखिए, एरंड तेल में जो एक उसका जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो राइसिनिन है और कुछ नहीं है, जो उसके बीजों में होता है। जो हम ऑयल जी सर, निकालते हैं उसमें हम रिसिनिन को हटा देते हैं, रिसिनिन नहीं होता है। हाँ, लेकिन बीज में रिसिनिन नाम का एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है। तो जब ऑयल में रिसिनिन नहीं होता, ऑयल में रिसिनोलिक एसिड होता है, रिसिनोलिक एसिड होता है जो उतना टॉक्सिक नहीं है। वो टॉक्सिक नहीं है इसलिए आप दे सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि बच्चों में मात्रा का ध्यान जरूर रखिएगा। और
दूसरा एक चीज इसमें ये है कि ये अगर आप अल्प मात्रा में देंगे तो उसका वो रिजल्ट नहीं मिलता है, डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने कल्प चिकित्सा कराई थी। कल्प चिकित्सा का वर्णन आता है, मैं आपको कभी जरूरत हो तो बता दूंगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक मिनिमम डोज से जो हम कहते हैं अल्प मात्रा या हृषि मात्रा से स्टार्ट करते हुए उच्चतम मात्रा तक ले जाते हैं औषधि को, और फिर उच्चतम मात्रा से फिर हम नीचे लेके आते हैं। तो हम देखते हैं कि जब एक मैक्सिमम डोज पे जब हम देते हैं तो वहां पे हमें जो हमको प्रभाव चाहिए, यानी कि वेदना शमन है, शोथ का निर्हरण है, आदि आदि प्रभाव मिलते हैं। यदि एक निश्चित डोज से नीचे देते हैं तो प्रभाव कुछ भी नहीं मिलता है। कई बार तो रोगी को अल्प मात्रा में देने से न तो विरेचन ही नहीं होता है एरंड तेल से, वो एरंड तेल भी जो है वो साथ में हो जाता है। ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। इसमें जोशी सर एरंड मूल का है ऑयल या नहीं, बीज का? एरंड तेल जो है बीज से निकालते हैं, जी बीज से, सीड से निकालते हैं। सर, ये तो निगम सर सीड भी सर से बता हम रहे थे, ऑयल एक ड्रॉप निकालेंगे। से स्टार्ट करते हैं और जब रोगी को मोशन हो जाए उसके बाद फिर वापस एक ड्रॉप पर आ जाते हैं। जी ऐसे ही करते हैं, उसमें चार पांच मोशन हो जाए। इसमें काम एनआईए में भी हुआ है, सेम टू सेम वर्क ये हमने उज्जैन में भी किया था। ये वर्क हमारे गुरु जी ने यही काम दिया था, विरेचन कर्म और एरंड तेल कल्प का कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। आम बात में हमने देखा ओबीएसली विरेचन कर्म ज्यादा रिजल्ट देता है इन कंपेरिजन टू द कल्प चिकित्सा, जो क्योंकि कल्प चिकित्सा केवल वेदना शमन करती है, मूल पर वो उसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन वो हमें जो है एक प्रकार से टेम्पररीली रिजल्ट्स देती है। लेकिन जो है संप्राप्ति विघटन के हिसाब से जो विरेचन कर्म है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, मैं ये उसमें पाया और हमने अपनी थीसिस में ये बात मेंशन की। ठीक क्लासिकल विरेचन है, वो ज्यादा मतलब क्लासिकल विरेचन इज मोर इफेक्टिव इन कंपेरिजन टू द कल्प ऑफ द एरंडल। इसलिए हम इसको, और मैं आपको एक बता दूं, एक वहां पे उज्जैन में एक उपड़ी में एक आय चिकित्सा डिपार्टमेंट में अभी एचओडी हैं डॉक्टर ओपी व्यास जी, उनकी बहुत अच्छी ओपीडी है। और आपको आश्चर्य होगा कि वो उनका पर्चा अगर आप देखेंगे तो हर पर्चे पे दो चीजें कॉमन होती हैं, एक तो त्रिकटू चूर्ण और दूसरा एरंड तेल दूध के साथ रात में लेना, हर पर्चे पे रहता है। अब हमें समझ में आता है कि एक तरफ तो वो दीपन पाचन भी दे रहे थे और दूसरा एरंड तेल को दूध से पिला के वो 15 से 20 ml बताते थे वो, और वो उस प्रकार से उसका लघु विरेचन भी दे रहे थे। तो रोगी में फिर जो समान चिकित्सा उनके पर्चे में जो आगे आ रही थी वो निश्चित रूप से ज्यादा प्रभावी हो जाए, ये मैंने बहुत प्रयोग करते हुए देखा। सर, जैसे आपने बताया सर, जब सीड से हम ऑयल निकालते हैं तो हम उसमें ऐसा क्या प्रोसीजर करते हैं कि उसमें रेसिनिन नहीं आएगा और रिजल्ट एक्चुअली क्या है अच्छा कि आएगा? वो देखिए उसमें क्या है कि जो ऑयल होता है और ऑयल में रिसिनिन नहीं आता है, लेकिन आप सीड का जो कवर होता है ना, कवर तो उसमें उसमें आता है। तो ये बिल्कुल आपका सवाल सही है। अगर किसी ने सीड ले लिया डायरेक्टली मैडम, अगर किसी ने सीड को डायरेक्टली ले लिया तो देयर इज चांसेस ऑफ द पॉइजनस। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये फेटल लाइफ थ्रेटनिंग पॉइजनिंग है सब्सटेंस, लेकिन हाँ ये पॉइजनिंग है, पॉइजनस सब्सटेंस है। लेकिन जो ऑयल होता है उसमें नहीं आता है। ये अब क्यों नहीं आता है ये देखना पड़ेगा, उसका पूरा प्रोसीजर समझना पड़ेगा, है ना। ऑयल में नहीं आता, रिसिनोलिक एसिड आता है, और रिसिनोलिक एसिड जो है वो एक प्रकार से, जो सर जो कंपनी मैन्युफैक्चर लेते हैं ऑयल सर, उसमें तो आई थिंक वो इतना नहीं ख्याल ये वो रखते उसको होंगे उसको कि उसको उसको रिफाइन करते होंगे, वो निश्चित रूप से रिफाइन करके जी दे सर। देते होंगे, क्योंकि सीधे सीधे आपने देखा होगा ना, सरसों का तेल अगर आप कच्ची खानी से आप पेरवा के निकालवाते हैं तो उसमें एक झांस सी आती है आंखों में, लगता है ना, ये आपने देखा होगा, जी और सर जी सर वो एकदम उसका कड़वापन भी ज्यादा होता है, और एकदम से आपको जब आप कढ़ाई में बनाएंगे उसको तो एकदम से छौंका लगाएंगे, एकदम आंख में लगता भी है वो, ऐसा ही कुछ है। वो टॉक्सिसिटी इन दिस सेंस क्या है कि वो फेटल नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए अगर वही रिसिन तो वो टॉक्सिक हो सकता है। मुझे लगता है थोड़ी बहुत मात्रा में तो वो आता ही होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा फेटल नहीं है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं बहुत सारे जो विष हैं वो हमारे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं वेदना शमन के लिए, जैसे आप देखिए ना कुचला में नाम ही उसका विष सिंदूकोटी है, उससे जो बनाते हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से एनाल्जेसिक इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत इस तरह के केमिकल्स भी जरूरी होते हैं, इसलिए इसको शायद चॉइस किया जाता सर, है। जी सर, वो अभी इससे बचपन में मुझे याद है कि हम लोग खेलते थे अंडी के बीजों से, तो जी सर जी जी उसको
हम खाते ही थे, और सर एक दो नहीं, हम 15-20-20 खा लेते थे, उसका हाँ तो टेस्ट मैं बहुत वही अच्छा कह रहा होता हूँ था। कि ऐसा लेकिन नहीं क्या है, था, हमें भोजन होता था ना, हमें कुछ होता था, नहीं होता है, वही मैं कह रहा हूँ हाँ कि कुछ नहीं होता था ये हमें। ऐसा है कि वो बहुत, ये जो बताया गया है कि रिसिनिन जो है पॉइजन है, ये तब है जब आपने, अगर मान लीजिए हमने कुचला का सेवन अगर हमने ज्यादा कर लिया तभी तो पॉइजनस होगा ना वो। अगर आपने उसको जो उसके सीट में, एक सीट, दो सीट, तीन सीट में जितनी क्वांटिटी में है वो क्वांटिटी में वो इतना ज्यादा पॉइजनस नहीं है, बल्कि वो अच्छा ही इफेक्ट देगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मॉडर्न साइंस में मेंशन है कि रिसिनिन इज ए पॉइजनस सब्सटेंस, तो हमें उसको दिमाग में रखना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट अ फेटल, है ना। मैं कहूंगा कि इससे कोई ऐसा खतरा नहीं है कि किसी की जान चली जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि हम लोग इसको जी तो सर, बहुत समय, जैसा मंदाकिनी जी ने बताया कि बचपन में इसके बीज खाते भी थे आप, तो ऑब्वियसली सी बात है कुछ भी नहीं होता था, है ना जी। सर एरन पाग भी तो बीज से ही बनता है ना, एरंड बाग भी बीज से बनता है। अच्छा आप देखिएगा वृक्ष होता है सर, दूध जितने के साथ जो चीर पाक होता है एरंड का, वो वृक्ष योग में आता है। भी ये जितने भी जो पॉइजनस, जिसको हम पॉइजन कहते हैं या पॉइजन सब्सटेंस कहते हैं, चाहे आप उसको देखें तो वो सारे एंटी कैंसरस होते हैं, या फिर पोटेंट एनाल्जेसिक होते हैं, या फिर बहुत अच्छे ऐसे डिजीज में वो काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको देता हूँ, एक प्लांट होता है, अभी बात हुई है तो बता देता हूँ, इसका नाम है, हमारे यहाँ पहाड़ों में मिलता है बहुत ज्यादा, और इसका नाम है टेक्सस पकाटा, इसको थुनेर कहते हैं। आप अगर थुनेर को देखेंगे ऊंचाइयों में, विनीता जी को शायद पता होगा, उसको ऊंचाइयों में कल्टिवेट किया जाता है, और जहां पे इसको लगाया जाता है वहां पे गाय बकरियां भी इसको नहीं खाती, यानी कि गाय बकरियां भी खाने से बचती है। अच्छा आपने एरंड को देखा होगा, एरंड बहुत लगा रहता है सड़क के किनारों किनारों पे, जनरली आपने देखा होगा कि इसको भी मवेशी जल्दी नहीं खाते, ऐसा आपने गौर किया होगा, तो उसको भी नहीं खाते, लेकिन वो इतना जबरदस्त, वनीता जी, वो जबरदस्त एंटी कैंसरस है। उसके जो ऑयल जो निकाला जाता है, उस ऑयल का बहुत कॉस्ट है, उसका टैक्सोल निकलता है उससे, इसी टैक्सोल से अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंटी कैंसरस मेडिसिन बनाई जाती है। कहने का अर्थ ये है कि पॉइजनस के इन द सेंस वो पॉइजनस है, पर आप सबको मालूम है कि हम विष ही विष को काटता है, वेदना समन के लिए भी हम विष देते हैं, आपने वत्सनाथ भी विष है, हमारे यहाँ बहुत सारे विष है जिसकी हम चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। तो ये कोई हम इसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं, कि पॉजिटिव सेंस में ये अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट या फिर उदर रोगियों में डिजायर्ड इफेक्ट दर्शाता है। सर आयुर्वेद में वैसे भी कहा गया है कि इन संसार में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो औषधि के रूप में काम नहीं करता जी है, चाहे वो जी विष जी ही क्यों ना हो। जी तो जी हम लोग आयुर्वेद में सब चीज, मूत्र से लेके हर चीज, मतलब एज ए औषधि यूज करते हैं, विष हम एज ए औषधि यूज करते हैं, रत्न हम एज ए औषधि यूज, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम औषधि के रूप में यूज नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है कि मात्रा क्या होनी देखिए चाहिए। ये मैडम ने आपको टेक्सोल का, ये पूरा टेक्सस बकाटा का, थुनेर का पूरा प्लांट शेयर कर दिया। देखिए इसका इतना डिमांड है इसका, इसको जो है नर्सरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको लगा रहा है, इसका ऑयल इतना महंगा है, इतना महंगा है इसका ऑयल, तो ये भी उसके प्लांट से ही निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट है, और इट इज रियली इट इज पॉइजनस, बट ये कैंसरस सेल्स को नष्ट करता है, ये बहुत उपयोगी है इसका प्रयोग। और ऑयल आप पी लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई नुकसान होगा, पर इसमें जो केमिकल है टैक्सोल, उसकी अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ज्यादा मात्रा में आप देते हैं तो वो कीमोथेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाता है, दर्शाता है। लेकिन ऑयल तो यूजुअली लोग ये ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही एरंड तेल है। अगर आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के, राइसिनिन निकाल के, राइसिनिन को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में देंगे अगर आप, तो डेफिनेटली इट इज पॉइजनस, बट नेचुरल फॉर्म में ये ऐसा नहीं है। ये तो निश्चित रूप से हमने अभी एरंड पाक में यूज करते हैं, उसका प्रयोग एरंड तेल में यूज करते हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ ना औषधियों के केमिकल को एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है चिकित्सा का, वो फेल हो गया है, कंप्लीटली फेल्ड है। कि हमारे यहाँ जो नेचुरल फॉर्म में जो दवाइयां हैं या औषधियां हैं जिनमें वो केमिकल है, तो उसके काउंटर केमिकल्स भी उसमें मौजूद होते हैं, इसीलिए हम लोग पूरी तरह से नेचुरल फॉर्म में औषधि लेने की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अश्वगंधा है तो उसमें से उसका केमिकल एक्सट्रैक्ट निकाल लो, हल्दी है तो उसमें से उसका केमिकल एक्सट्रैक्ट निकाल लो। इसका नाम है टेक्सस बकाटा, मैम वंदना मैडम, इसका नाम है टेक्सस बकाटा। अब मेरे आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है इस पे, पिथौरागढ़ में, आप वो देख सकते हैं, बहुत पुराना वीडियो है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और जानकारी के लिए बहुत लाभदायक होगा। आजकल बहुत कैंसर के पेशेंट्स मिल रहे हैं, तो आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, कुनेर नाम है इसका जी। हाँ
जी सर। सर नवीन सर, अभी आप बता रहे थे ना कि जो सर देते हैं मिल्क के साथ कैस्टर ऑयल, और साथ में एक मेडिसिन कौन सी बताई आपने? त्रिकटू चूर्ण त्रिकटू, चूर्ण। जी सर, थैंक यू उनके सर, सारे थैंक यू। पर्चे में होता है अभी भी वो। और उनके बहुत, अब मैं आपको बताऊं कि वो हमारे गुरुजी और उनके बीच में कॉम्पिटेटिव माहौल था। एक्चुअली वो बहुत जूनियर थे और हमारे गुरुजी प्रोफेसर निगम सीनियर थे, लेकिन वो अब नए नए थे, लेकिन वो कॉपी भी करते थे उनकी प्रैक्टिस की, लेकिन वो अपनी ये चीज उनकी जो थी वो अलग थी। तो हम लोग कई बार हंसते थे कि यार देखो सब एरेंड के लिख रहे हैं, लेकिन उनकी हमको ये भी ताजुब होता था कि भाई मरीज ठीक होते थे और पेशेंट्स फॉलोअप में आते थे। अब तो वो, क्योंकि अब तो वो सर्विस, अब तो HOD ही है वो काय चिकित्सा के, तो मरीजों की भीड़ होती थी उनके पास। तो हम तब तो हमको समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि उस समय उतना सिद्धांत का पक्ष हमारे दिमाग में भी क्लियर नहीं था। और हमारे गुरुजी प्रॉपरली क्लासिकल चीजों को ज्यादा फोकस करते थे, वो ये सूक्ष्म विरेचन लघु विरेचन ये सब को ज्यादा, उतना ज्यादा हम लोग को वो ज्यादा नहीं करते थे। तो डेफिनेटली आज हमें समझ में आता है कि क्यों उपयोगी था। बहुत समय हो गया हमारा। मैडम मोनिका मैडम जी, आप जो है शांति मंत्र का पाठ कीजिए और समाप्त करते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे जी। जी सर, सर बहुत अच्छी हाँ चर्चा हुई सर, सर। सर ये नॉलेज नहीं मिलती, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू बी डिस्कस। सर एक क्वेश्चन था आकाश कि जी, अब आकाश जी क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, कल फिर हम आएंगे, अभी नहीं तो फिर लेट ओके हो सर, जाएगा, सबको जाना है अपने अपने कर्म का कार्यस्थल पे, आधा घंटा बहुत है। चलिए मैम इसको समाप्त करिए। जी सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति 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 भवतु। तो धन्यवाद आप सभी को आज के प्रातःकालीन सत्र को इतना अच्छा बनाने के लिए। आप सबको प्रणाम, आप सबका दिन शुभ हो।